गाइज, इस ब्लॉग की शुरुआत मैं मुजफ्फरनगर बस स्टैंड से कर रहा हूँ। यहाँ से हम लोग बस लेके चलेंगे पहले बुढ़ाना। तो गाइज, हम लोग मुजफ्फरनगर से लगभग 40 किलोमीटर बस से ट्रैवल करके पहुंच चुके हैं बुढ़ाना। बुढ़ाना के महावीर चौक के पास अभी मैं हूं। आई लव बुढ़ाना। तो गाइज, इस वक्त हम लोग बुढ़ाना के गलियों में आ चुके हैं और यहां से ढूंढते ढूंढते हमें पहुंचना है नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के घर। उनका घर हम लोग ढूँढ ही लेंगे। चलिए देखते हैं कब तक मिलता है। यहाँ पर चारों तरफ गलियाँ ही गलियाँ हैं। तो गाइज, बुढ़ाना की गलियों से लोग पहुँच चुके हैं बॉलीवुड के काफ़ी मशहूर सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के घर के सामने। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सामने जो रेड कलर का शानदार सा घर दिखाई दे रहा है, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का घर है। और अभी हम लोग जाने वाले हैं इनके घर। इनके घर चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं कि यहाँ पे इनका कैसा घर है। तो गाइज, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को अच्छा खासा वेलकम किया गया। यहाँ पे नवाज सर के भाई रहते हैं, जिन्होंने हमें बैठने के लिए चेयर दिया। हम लोग अभी यहाँ पे अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यहाँ नवाज सर से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, जिनके बैठने के लिए बहुत सारी चेयर और सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है। हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो उनके छोटे भाई से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने हमारा वेलकम किया और उन्होंने हमें यहाँ बैठने के लिए बोला। वो अभी गए हैं बाहर, आएंगे उसके बाद। हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। तो यह घर है, आप देख सकते हैं नवाज सर का, बड़ा ही आलीशान सा घर है। नीचे भी देख सकते हैं आप लोग, हम लोग नवाज सर के घर पे आए हैं। एक आगे बाइक भी लगी है और यह घर चारों तरफ से बना हुआ है। काफ़ी अच्छा सा घर है उनका बुढ़ाना में। स्पेशली नवाज सर मेरे भी इंस्पिरेशन है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं से मुझे हिम्मत मिली कि मैं बिहार से बुढ़ाना तक, यानी लगभग 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पर आ पाया। और गाइज, हमारे साथ राहुल भी यहाँ पे आए हैं। तो राहुल, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा पटना से बुढ़ाना तक आने का? यार, एक्सपीरियंस लंबा जर्नी है यार, बस बहुत दूर आए और नवाज सर के घर आए, और इससे बड़ी बात क्या होगी हम लोगों के लिए कि उनके घर तक हम लोग आ पहुँचे, उनके घर में अभी। बिल्कुल, अभी हम लोग उनके घर पे हैं, जिनको हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हम लोगों को सच बता रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुँच गया और मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ है। तो गाइज, हम लोग इस वक्त नवाज सर के घर पे हैं और यहाँ पे हमारी मुलाकात उनके एक कज़न से हुई है। चलिए आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं। प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, तो नवाज सर आज इतने बड़े सेलिब्रिटी है और इस जगह से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? सर, बहुत खुशी होती है, छोटे से गाँव से, छोटे से कस्बे से निकल के एक सेलिब्रिटी बनना बहुत बड़ी बात है जी। और आज एक खुशी सी है, क्या अपनापन महसूस होता है कि एक स्टार है मुंबई में सेटल कर रहा है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है जी। बहुत खुशी होती है इस बात, करोड़ों लाखों करोड़ों फैन हैं उनके और हम लोग उनके इतने बड़े फैन हैं कि हम लोग बिहार से बुढ़ाना तक आ चुके हैं उनके घर का वीडियो बनाने के लिए। तो सर, आप हमें एक और बात बताइए कि उनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं से हुआ है? जी, यहीं पे एक छोटा कॉलेज है, इंटर कॉलेज, उससे शिक्षा प्राप्त करके 1998 के आसपास में यहाँ से एक्टिंग करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली से फिर मुंबई गए एक्टिंग के लिए। एक्टिंग का शौक़ उन्हें बचपन से था। बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ था? एक छोटे से परिवार से पहले निकल गए, इतनी बड़ी स्टेगर पर जाना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आम लोगों का बचपन होता है, क्या नवाज सर जो इतने बड़े सेलिब्रिटी है उनका भी बचपन आम ही था या कुछ अलग था? बिल्कुल आम, आज भी आम ही है। जब अपने मुंबई से छोड़कर अपने यहाँ आते हैं कस्बे में, बिल्कुल आम सादगी ज़िंदगी भरे रहते हैं, कि इसे कोई वो नहीं है कि सबसे मिलना जुलना सबसे रहता है उनका। तो मतलब साल में कितने बार आ जाते हैं यहाँ? साल में आते हैं 2-3 बार आ जाते हैं, अपनी खेती पर काम करते हैं, अपने महल्ले में सब परिवार की तरह रखते हैं उनको जी। यानी कि इसे मिलने में कोई परहेज नहीं है, हमें सबसे मिलते हैं, बिल्कुल सादगी भरी ज़िंदगी।
तो यहाँ आते हैं तो उनका व्यवहार आप लोगों के साथ कैसा रहता है, पहले जैसा रहता है या फिर बदल चुका है? पहले से भी बहुत अच्छा रहता है। पहले से भी बहुत अच्छा रहता है, अब तो बिल्कुल माइंड फ्री रहते हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते हैं सबके साथ। तो सर आप हमें ये बताइए कि इस वक्त बुढ़ाना में नवाज सर के फैमिली में कौन कौन यहाँ पे रहते हैं? उनके भैया हैं, सात भैया हैं, मम्मा हैं उनकी, दो बहन हैं, एक बहन की शादी थी, दोनों की शादी हो रही थी, एक बहन की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई उनकी, ये मम्मा हैं और भैया हैं, भाभी हैं, सब परिवार एक जगह रहता है उनका। मतलब परिवार के सभी लोग यहाँ पर रहते हैं? जी, परिवार के लोग सब एक ही जगह रहते हैं, कोई अलग नहीं रहता। जी, बिल्कुल सादगी भरी, बिल्कुल सादगी भरी जिंदगी। ये लोअर टी शर्ट में रहते हैं, ये मम्मा है, भाभी भाई। तो सर हमें नवाज सर के पिताजी का फोटो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये उनके फादर हैं, जिनकी डेथ शायद आज से 6-7 साल पहले हो चुकी है। नहीं नंबरदार नवाबुद्दीन, क्या नाम था इनका, इनके पिताजी का? इनके पिताजी का नाम है नंबरदार नवाबुद्दीन सिद्दीकी। नवाबुद्दीन सिद्दीकी, तो सर ने हमें काफ़ी सारे फोटोज दिखलाए हैं। नवाज सर जब यहाँ आए थे तो इनसे, इन सब से मुलाकात होते रहती है, तो उनके काफ़ी सारे फोटोज़ थे जो कि हमने देखे। तो सर आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम थैंक यू। तो गाइज अभी हम लोग निकले हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के घर से, उनके पड़ोस में रहने वाले दोस्तों से मिले हैं, चलिए आप लोगों को इनसे मिलवाते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद नासिफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर बॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता है, वो इस जगह से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है, हमारे यहाँ से, हमारे मोहल्ले से, हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, अपने कस्बा वासियों को, तो जब भी आते हैं यहाँ से हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हमें उनसे मिलने का भी अवसर मिलता है, जैसे आप लोगों से मिला, आप इतनी दूर से आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा लगता है। तो नवाज सर साल में मतलब कितनी बार आ जाते हैं घर? वो ज़्यादातर तो मोस्टली त्यौहार के टाइम आते हैं, जैसे ईद होती है, बकरा ईद होती है, ठीक है, लेकिन अपना जो उनका अगर शेड्यूल टाइम फ्री होता है, शूटिंग नहीं होती है, तो तब आ जाते हैं। हाँ, अच्छी बात यह है उनकी, तो उनका जो जन्म स्थान है वो यही है, जन्म स्थान यही है बुढ़ाना। एक अच्छी बात यह है उनकी, जैसे वो आते हैं ना, जो जो उनके खास हैं, उनसे खूब अच्छे से मिल के जाएंगे, वे उनके घर बैठेंगे, चाहे वो गरीब है या अमीर है, ये नहीं कि भाई वो गरीब है तो उसके नहीं जाना, सबके मिल के जुल के अच्छे से जो खाना है उनके घर में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर वो निकल के जाते हैं। मतलब कि नवाज सर इस छोटे से जगह से निकल के इतने बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो भी अभी भी फ्रेंडली है, वो यहाँ आने के बाद अपने आसपास के लोगों से ज़रूर मिलते हैं और उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। देखो उनकी शख्सियत ये है, आप जी देखें क्या है, जो हम मोबाइल में लेके घूमते हैं, जी इतनी अच्छी बात है उनके लिए। आप देखें लिखा है, क्या लिखा, पढ़ के सुनाए। इसमें लिखा हुआ है, लिबास देखकर हमें गरीब ना समझ, हमारे गम भी तेरी जायदाद से बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये उनकी शख्सियत है जी, जो असलियत है, सही बात है, आप समझ सकते हैं कैसे इंसान है, ठीक है ना। तो आप आए हैं इसके लिए, बहुत अच्छा लगा कि भाई आप इतने दूर से फ़ैन बनकर आए, बहुत बढ़िया लगा। आप इसी तरह आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमारे भी और हमारे आसपास वालों को भी, कि भाई आप लोग इतने दूर से चल के भी आए जी। और बड़ा अच्छा लगा जी कि आप कितने अच्छे लोग हैं, भाई इतनी चाहत के या मोहब्बत में इतने दूर आए, जो कि मेरे ख्याल से 2000 किलोमीटर तक होगा। हाँ, 2000 किलोमीटर तो हम लोग ट्रैवल करके हैं, इतने दूर से आने का मतलब आप बहुत प्यार करते हैं, ऐसी तरह प्यार करते रहे, ऐसा आदमी है भी इस लायक है जी, जिस तरह के प्यार करे आदमी, हम लोगों के लिए तो इंस्पिरेशन है, तभी तो हम लोग इस जगह तक आ गए, वरना यहाँ तक आने के लिए हौसला जुटाना पड़ता है। आपकी अच्छी बात है, आप अच्छा आदमी आए हो, बढ़िया बात है। तो बिल्कुल इन लोगों से मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक यू आप लोग, समय दिए हमें अपना।